Hello, Mama. How are you? What are you doing? तू भी अपनी मार्क मत पका। I am so sad. मॉम पापा कहाँ गए? मुझे नहीं पता। मैंने करना चाहती हूँ उनसे बात, और वो मुझे दिख भी जाना तो मैं उनसे इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, और मैं उनसे बात ही नहीं करना चाहती हूँ। मुझे बार बार वो नमती नमती बुला करते हैं ना, अब मैं उनको बताती हूँ नमती क्या है। एक्चुअली वो मुझे बार बार नमती नमती बोलते हैं। क्या है नमती का मतलब? क्या मैं कोई चाय वाय हूँ? कोई मैं चाय का नाम हूँ जो मुझे नमती नमती बोलते जाए? क्या यार मम, आप भी ना, पापा आपको एक्चुअली उल्लू बनाते हैं। एक्चुअली नेमटी होता है, जिसका मतलब होता है उल्लू की पट्टी। तो पापा आपको हर बार नेमटी नेमटी बोल करके कोई चाय का नाम नहीं बोलते, पापा आपको एक्चुअली उल्लू की पट्टी बोल देते हैं। अच्छा, तो ये मतलब है वो मुझे हर बार नमटी बोल करके यानी कि उल्लू का पट्टा बोलते हैं, उल्लू की पट्टी बोलते हैं ना। रुक जाओ, मैं बताती हूँ, आने दो घर, फिर मैं बताती हूँ उनको बहुत बुरी तरीके से। मॉम यार आप मेरी शर्ट पेश कर दो यार, मुझे बाहर जाना है अभी। हाँ ना, मैं तो घर की नौकरानी हूँ, मुझे तो सारे ही काम करने। आपको करना है या नहीं? हाँ कर दे रही हूँ, चिल्लाया मत कर। लेकिन और सुन, वो जो तेरी शर्ट है ना, वो फट गई है और पुरानी भी हो गई है। तो ऐसा करो, मुझे मार्केट जा और वहाँ पे जो शूटिंग वाला जो कपड़ा मिलता है ना, वो लेकर के आ जाए एक शर्ट, ठीक है? ये शूटिंग वाला कौन सा कपड़ा आ गया? हाँ देख, तू मुझे बिल्कुल ही ना बेवकूफ मत समझा कर। देखा नहीं दुकान के बाहर लिखा नहीं होता शूटिंग और शर्टिंग? ओ बावरी माँ, दिमाग की पूरा बाजीपाला मत करो और इंग्लिश की ऐसी की तैसी मत करो। एक्चुअली दुकान के बाहर लिखा है सूटिंग एंड शर्टिंग। सूटिंग का मतलब होता है कि सूट का कपड़ा, वो जो ब्लेजर वाला होता है ना, वो होता है एक्चुअली। और शर्टिंग का मतलब है कि शर्ट का कपड़ा। इन दुकान के बाहर जो लिखा है उसका मतलब है कि यहाँ पर सूट का और शर्ट का कपड़ा उपलब्ध है। कुछ भी यार। अच्छा हो गया बेटा, तूने बता दिया, मैं तो कुछ गड़बड़ी समझ रही थी। वेट मॉम, चलो अब मैं नहाने जा रहा हूँ। अगर मेरे नहाने के बीच में अगर थॉमस आ जाए मेरा दोस्त, तो उसे मैंने टेबल के ऊपर एक ग्रीटिंग कार्ड बना करके रखा है, उसे दे देना। हाँ बेटा जरूर दे दूंगी। और अभी क्रिसमस आने वाला है, तो मेरा दोस्त आएगा तो आप उसे बोल देना मेरी क्रिसमस मेरी तरफ से। ओके, मेरी क्रिसमस जरूर बोलना, मेरी क्रिसमस बोलना, आप नहीं बोलना। ओके, चुप कर नालायक, तेरे जैसे लोगों के कारण हमारे देश में फूट गिर रही है, और तेरे जैसे बेवकूफ लोग ही हमारे देश में फूट डाल रही है। क्या है तेरा मेरा मेरा तेरा मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस? ये क्या तेरे बाप की क्रिसमस है? ये हम सब की क्रिसमस है बेटा, ये हम सब की क्रिसमस है। तो पता नहीं लेकिन पापा की जरूर होंगी। क्या बोला यार मॉम? तो मेरी है ना, उसका मतलब होता है कि किसी भी त्योहार के लिए बधाई देना, एज लाइक मेरी क्रिसमस मेरी ईद मेरी दिवाली मेरी गुरु पूर्णिमा, एज लाइक इस टाइप से, ना कि कुछ गड़बड़। क्योंकि अब ज्यादा लेक्चर मत दे। हाँ और एक बात अच्छी तरह कान खोल के सुन ले, मुझे तेरा दोस्त राहुल लेना, उसकी दुकान में तेरा आना जाना आज से बंद, और बाल कटवाएगा नहीं तो उसकी दुकान में। इतना गंदा लड़का है, उसके पूरे नेचर बिगड़ चुके हैं। वो क्या क्या दुकान के वहाँ लिखवा करके रखा है, सेक्स? ऐसा कोई लिखवाता है क्या सेक्स? अगर पुलिस ने देखा ना इतने डंडे मारे की कमीनी को, पूरा पिछवाड़ा लाल कर देगी, दो दिन उठ नहीं पाएगा दुकान से। राहुल ने दुकान के बाहर लिखवा करके रखा है यूनिसेक्स, जिसका मतलब होता है यहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अलाउड है, ना कि कुछ सेक्स वेक्स गड़बड़ है वो। सॉरी बेटा, मुझे ऐसा लगा मुझे तेरे पापा एक डिबिया लाते हैं मेरे रूम में, मुझे ऐसा लगा कि वो सेम ही होगा, क्योंकि उसमें भी कुछ सेक्स वगैरह ऐसा लिखा हुआ होता है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि दोनों का सेम ही होगा, इसलिए मैं कुछ गड़बड़ समझ गई। सॉरी बेटा। चलो यार ये तो ऐसे ही पकाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी ना मेरे बेटे की, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक है? लाइक और सब्सक्राइबर के लिए भी क्या आप उनसे भीख मांगोगी? ये खुद समझदार है, खुद कर देंगे। क्यों नहीं बोलूं मैं इन सभी को लाइक और सब्सक्राइब करने में, आखिर मैं तेरी माँ हूँ। यू आर ग्रेट मॉम, आई लव यू मम्मी।